हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज द दुर्गा पूजा शॉपिंग हॉल पार्ट थ्री। तो आप लोगों को मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं वही कर रही हूँ। मैंने बोला था आप लोग इसका पार्ट थ्री भी आएगा एंड वो है ये वाला पार्ट थ्री। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो वाली चीज दिखाऊंगी जो कि मैंने गड़ियाहाट से परचेस किया है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा गड़ियाहाट का व्लॉग एंड वगैरह। तो मैंने वहां से क्या क्या परचेस किया है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन, ताकि व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गाइस गेट अ नोटिफिकेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। नाउ विदाउट एनी मोर बकबक लेट्स तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रेसेस लिया है। तो जो चीज मैं रेगुलर बेसिस में पहनने वाली हूँ वैसी वाली चीजें ज्यादा है, ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ। मैं कॉलेज वगैरह ओपन हो जाएगा पूजा के बाद एंड तब कॉलेज जाना पड़ेगा एंड ट्यूशन वगैरह जाना है, तो मैंने बहुत ही कंफर्टेबल एंड कॉटन की चीजें ज्यादा लिया है। लाइक पूजा में पहनने के लिए मैंने सिर्फ दो ही चीजें लिया है जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ी देर वेट कर लो। तो सबसे पहले मैं रेगुलर वाली चीजें वो शेयर कर देती हूँ क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले ये वाला एक मैंने लिया है, आप शॉर्ट कुर्ती भी कह सकते हो एंड टॉप भी कह सकते हो, जो कि ये वाला एक ड्रेस है। तो ये है आप खादी कॉटन कह सकते हो वैसा वाला एक कपड़ा का नेम है एंड ये प्योर कॉटन है एंड ये बहुत ही कम सी थ्रू एक कपड़ा है एंड ये ऐसे स्लीवलेस है एंड इसका नेक लाइन भी बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली इसका नेक लाइन अच्छा लगा है एंड अब इसका लेंथ आई थिंक नी के थोड़ा सा ऊपर तक आएगा इसका लेंथ एंड इसमें कोई भी ऐसा साइज वगैरह नहीं रहता है, मैंने स्ट्रीट से ही सब कुछ परचेस किया है। एंड गेस द प्राइस, इट्स रिटेल फॉर ओनली 100 रुपीज। लाइक स्ट्रीट शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा फायदा है, लाइक आप जितना अच्छा बार्गेन कर सकते हो। बाय द वे इनका फिक्स प्राइस था, इसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं हुआ है, बट ये ऐसे 100 के बहुत सारे ऐसे दिखने वाले टॉप्स थे एंड शॉर्ट कुर्ती थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का है, जो कि मुझे लाइक प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत ही पसंद आया है एंड आप देख इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड कंफर्टेबल भी है। लाइक एक दो वॉश के बाद पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा एंड ये सी थ्रू भी उतना ज्यादा नहीं है एंड 100 रुपीज में ये वाला ड्रेस इट्स लाइक ग्रेट डील। नंबर थ्री मैंने जो लिया है और एक वैसा ही शॉर्ट वाला कुर्ती जो कि है सेम ही पैटर्न में सब कुछ, बट इसका जो प्रिंट है वो अलग है। ये है इसको कहते हैं कॉलमकारी प्रिंट, हम बंगाली इसे कॉलमकारी प्रिंट ही कहते हैं। तो जो कि बहुत ही सोवर सूदिंग वाली चीज है, लाइक समर के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है एंड इंडिया में लाइक ज्यादातर समर ही रहता है, बहुत कम ठंड रहता है। तो ये वाला ड्रेस मैंने लिया है एंड इसमें ऐसे कॉलमकारी प्रिंट है, बट पहले वाले ड्रेस से ज्यादा इसका जो लाइक कंफर्टेबलनेस है ज्यादा है। ये बहुत ही सॉफ्ट एक ड्रेस है, इसे पहनने के बाद लाइक वॉश करने लाइक एक वन या टू टाइम वॉश करने नहीं करोगे तो भी ये बहुत सॉफ्ट है। लाइक छू कर अब बता कर सकते हो ये कितना सॉफ्ट एक ड्रेस है एंड ये पड़ा था आई थिंक ये 150 का पड़ा था, 150 रुपीज इसका प्राइस था। ये उससे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है, लाइक थोड़ा सा 50 रुपीज ज्यादा, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है एंड ये प्योर कॉटन का है एंड ये 150 रुपीज के था एंड ये भी मैंने स्ट्रीट से ही लिया है एंड इट्स एन ग्रेट डील। नाउ थर्ड जो चीज मैंने लिया है वो है एक लाइक प्लेन कुर्ती लिया है एंड इसका भी प्रिंट कॉलमकारी प्रिंट है। आप देख सकते हो ये लाइक इस व्हाइट बैकग्राउंड के सामने ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसका स्लीव्स 3-4 स्लीव्स नहीं है, मैं अभी तक मैंने नहीं पहना है तो इसका स्लीव्स इतना तक आएगा, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है ऐसे वाले स्लीव्स। लगे भी इसका इसमें कॉलर है एंड ऐसे वाले कॉलर है एंड यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत काम है एंड ओवरऑल इसका प्रिंट कुछ ऐसा है ब्लैक के ऊपर, इसे भी कहते हैं कॉलमकारी प्रिंट एंड ये भी बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल ड्रेस है। आई थिंक इसका प्राइस था 250 और 200 रुपीज, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, मैं वीडियो करने में बिजी थी एंड इसका प्राइस कुछ 200 ही होगा एंड आई लव द क्वालिटी ऑफ द ड्रेस एंड इस प्राइस रेंज में इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए स्ट्रीट शॉपिंग
वी ऑल लव आफ्टर दैट जो ड्रेस आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उसका प्राइस आप लोगों को गेस करना होगा एंड जो कि है ये वाला ड्रेस एंड आपको पता ही होगा गड़ियाहाट में बहुत ज्यादा बार्गेन होता है एंड प्लैनेट में भी होता है बट कुछ कुछ ज्यादा फिक्स प्राइस भी रहता है तो ये है एक व्हाइट ड्रेस ये है एक कुर्ती लॉन्ग कुर्ती एंड घेर वाला कुर्ती है तो इस बैकग्राउंड के सामने ना ये जो उभर कर नहीं आ रहा है इनका पैटर्न वगैरह तो मैं यहाँ पे जो भी डाल दूंगी तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा तो ये कुर्ती है एंड इसका जो लाइक जो यहाँ पे जो काम है इट्स लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल काम है इसके अंदर स्लीव्स था बट मेरे फ्रेंड एंड मैंने सेम ही ड्रेस लिया है उसका स्लीव्स नहीं था एंड मेरे पे स्लीव्स था एंड उसको मैंने कट के वो दे दिया है एंड यहाँ पर जो वर्क है ये कुछ जयपुरी टाइप ऑफ वर्क है एंड यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बीट्स लगे हैं जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा एंड ये स्लीवलेस है एंड इसके अंदर स्लीव्स था एंड जो कि मैं नहीं ऑल्टर कर सकती अभी एंड यहाँ पे कुछ ये दोनों क्या है इसका कोई काम नहीं है एंड ये नेक लाइन ऐसा है एंड ये डबल एक्सल है जो कि मैं ऑल्टर करूंगी तो ठीक हो जाएगा लाइक स्ट्रीट से लेने का यही एक डिसअपॉइंटिंग थिंग है डिसएडवांटेज है जो कि लाइक आप लोगों को चीजें लाइक साइज का नहीं मिलता आप लोगों को ऑल्टर करना ही पड़ता है एंड मेरे जैसे ऐसी पतली लड़की उनको हर चीज ही ऑल्टर करना होता है एंड ये ऐसे एक घेर वाली कुर्ती है एंड इसके नीचे का जो पैटर्न है कुछ ऐसा काम है यहाँ के नीचे का एंड ये पूरा व्हाइट है इसके ऊपर गोल्डन कलर का गोटा पत्ती का लाइक ऑल ओवर वर्क है एंड पीछे कुछ ऐसा काम है इसके पीछे एंड दैट्स हाउ द लाइक फोर्थ ड्रेसेस लुक लाइक आई लव द ड्रेस लाइक इसे देख कर ही मुझे पसंद आ गया था एंड मुझे ये बहुत ही पसंद है एंड नाउ गेस द प्राइस अभी कमेंट करो आप लोगों को इसका प्राइस क्या लगता है मैं 3 काउंट कर रही हूँ 1, 2, 3 तो इसका प्राइस है भैया ने पहले बोला था इसका प्राइस 1,200 रुपीज एंड मैंने बार्गेनिंग करके इसको कम किया है 650 रुपीज तो इतना कम हुआ है इस वजह से क्योंकि हमने दोनों ड्रेस लिया था सेम दोनों ले रहे थे इसकी वजह से भी थोड़ा सा कम हुआ है एंड वैसे भी वो लोग थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं आप लोगों को बार्गेनिंग करके कम करना होता है ये लाइक बहुत ही एक नेसेसरी थिंग है आपको बार्गेनिंग करना ही होता है क्योंकि नहीं तो लूट लेंगे आपको लूट लेंगे तो ये एक ड्रेस है तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया है एंड आप लोगों को भी पसंद आया होगा दैट्स सो दिस इज द फोर्थ ड्रेस एंड मैंने लिया है एक साड़ी तो ये है एक इट्स कॉल्ड हजार बूटी साड़ी एंड आप लोगों को अब ढाका ही भी कह सकते हो तो गड़ियाहाट में साड़ी का जो कलेक्शन है इसे उसे लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है आप देख सकते हो तो ये है एक साड़ी तो ये है पिंक कलर का साड़ी एंड ये मेरे पर बहुत ही अच्छा लग रहा है फिलहाल अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसके ऊपर ऑल ओवर साड़ी यहाँ पे कुछ गोल्डन का छोटे छोटे वर्क है गोटा पत्ती का वर्क है ऑल ओवर द साड़ी एंड इसका जो बॉर्डर है कुछ ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है यहाँ पे बॉर्डर कुछ ऐसे टेम्पल टेम्पल करके इसका कुछ बॉर्डर है लाइक ट्राइंगल शेप में पतले पतले ट्राइंगल एंड इसका ऑल ओवर द साड़ी ऐसा ही है एंड सिर्फ और सिर्फ इसका जो पल्लू है पल्लू पे थोड़ा सा यहाँ पे फ्लावर वगैरह बना है ऐसा कुछ इसका पल्लू है एंड इसका प्राइस भैया ने बोला था 850 रुपीज एंड इसको हमने बार्गेनिंग करके 550 रुपीज में ये हमें मिल गया है एंड त्रिशा ने भी मैं एक लिया है उसका कलर है ग्रीन कलर एंड मैंने लिया है ये पिंक वाला क्योंकि इसे लेकर मुझे एक मेकअप लुक क्रिएट करना है दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप लुक तो इस वजह से मैंने इस कलर को लिया है एंड ये इस कलर बहुत ही गॉर्जियस लग रहा है एंड इसका प्राइस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया नाउ आई होप आप लोगों को मेरा ये थर्ड हॉल पसंद आया होगा दुर्गा पूजा के लिए एंड इफ यू आर गाइस लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन ताकि व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गाइस गेट अ नोटिफिकेशन नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय